हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत हैं आज की कुछ विशेष खबरें। महानिदेशक महोदय का सख्त आदेश, हाईस्कूल का प्रमाण पत्र मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड न होने पर रुकेगा वेतन। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने अपर शिक्षा निदेशक बेसिक का वेतन रोका, जाने क्यों। इन राज्यों में अगले हफ्ते खुल जाएंगे स्कूल, जाने आपके राज्य का क्या है अपडेट्स। स्कूलों में 19वीं सुरक्षा के साथ पढ़ाई की तैयारी। आइए दोस्तों, हम चलते हैं और देखते हैं खबरें विस्तार से। एक आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और दिनांक 8 जुलाई 2021। विषय है प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों के द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर हाईस्कूल के मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र अपलोड न किए जाने की दशा में वेतन बाधित किए जाने के संबंध में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या ये दिनांक 2 सितंबर 2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, अनुचरों के अवकाश आवेदन स्वीकृति एवं सेवा पुस्तिका के रख रखाव हेतु NIC द्वारा विकसित मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली दिनांक 4 सितंबर 2019 से लागू की गई है। उक्त हेतु अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या ये दिनांक 2 सितंबर 2019 एवं राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक ये दिनांक 8 मार्च 2021 एवं पूर्व प्रेषित पत्रों यथा पत्रांक ये दिनांक 8 फरवरी 2021 एवं दिनांक 7 जनवरी 2021 के माध्यम से भी पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है कि सभी शिक्षकों को शैक्षणिक अभिलेख मानव संपदा पर अपलोड किया जाना है, परंतु समीक्षा के उपरांत पाया गया है कि अभी भी कतिपय शिक्षकों कर्मियों के शैक्षणिक अभिलेख मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं, जबकि मानव संपदा पोर्टल पर स्वयं लॉगिन करते हुए उक्त कार्य को आसानी से किया जा सकता है। उक्त निर्देशों की अनेकों बार पुनरावृत्ति के पश्चात भी अनुपालन न किया जाना प्रथम दृष्टया आदेशों की अवहेलना तथा कर्मियों का आचरण संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके जनपद में जिन कर्मियों द्वारा हाईस्कूल की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र भी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, उन्हें अंतिम अवसर देते हुए हाईस्कूल की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र मानव संपदा पर अपलोड करने की स्थिति में ही वेतन आहरण किया जाएगा। उक्त कार्य पूर्ण कराएं। संलग्नक उक्तोक्त भौदी श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। दोस्तों, ये तो रहा जो है महानिदेशक महोदय का आदेश। चलिए आगे समाचार आपको दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि शासन के निर्देशों के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों व अन्य कार्मिकों के तबादले और पटल परिवर्तन की कार्यवाही समय से पूरी न करने पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने प्रयागराज में तैनात अपर शिक्षा निदेशक बेसिक सरिता तिवारी और सहायक शिक्षा निदेशक सेवाएं 2 नंदलाल सिंह का वेतन अगले आदेशों तक रोकने का निर्देश दिया है। महानिदेशक ने पत्र में कहा कि शासन ने विभाग के कार्मिकों के तबादले और पटल परिवर्तन आदि की कार्यवाही 10 जुलाई तक पूरी करने का निर्देश दिया था। शासन के निर्देश के क्रम में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक को तबादले की कार्यवाही की कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी के बीच अधिकतर राज्यों से सख्त लॉकडाउन हट चुका है, जीवन पटरी पर लौट रहा है। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई को हो रहे नुकसान को देखते हुए कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रही हैं। दिल्ली समेत अधिकतर राज्य अभी स्कूल बंद ही रखना चाहते हैं, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा है। हालांकि उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार समेत कुछ राज्य अगले सप्ताह से स्कूल खोल रहे हैं। आइए जानते हैं किन राज्यों में फिर से स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड में 12 जुलाई से खुलेंगे स्कूल। उत्तराखंड सरकार ने 12 जुलाई से कक्षा 1 से 12 तक के सारे स्कूल खोलने का फैसला किया है। हालांकि छात्रों के आने पर रोक होगी, फिलहाल केवल अध्यापक और स्टाफ ही स्कूल आएंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि छात्रों के लिए अभी ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रहेगी। बिहार में भी 12 जुलाई से खोलेंगे स्कूल। बिहार में 10वीं कक्षा से ऊपर के स्कूल काले सोमवार से खुल जाएंगे। अभी 50% छात्रों को ही बुलाया जाएगा। शारीरिक दूरी के लिए गोले बनाए जाएंगे। टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग भी ऑनलाइन हो, ऐसी कोशिशें रहेंगी। महाराष्ट्र में भी 15 जुलाई से पढ़ाई शुरू। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को कहा कि जिन जोन्स में COVID-19 का एक भी मामला नहीं है, वहां पर अभिभावकों की सहमति से कक्षा 8 से 12 तक के बच्चों की कक्षाएं शुरू की जा सकती है। कोविड फ्री जोन कौन कौन से हैं और कौन कौन से स्कूल खुलेंगे, यहाँ एक समिति तय करेगी। आंध्र प्रदेश में अगले महीने खुल जाएंगे स्कूल। आंध्र प्रदेश की सरकार ने 16 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला लिया है। 12 जुलाई से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।
अध्यापकों को वर्कबुक्स पर ट्रेनिंग 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच दी जाएगी। राजस्थान में खुल गए हैं स्कूल। राजस्थान में स्कूल खोल दिए गए हैं और नए सत्र के लिए प्रवेश लिए जा रहे हैं। हालांकि छात्रों को स्कूल आने की अनुमति नहीं दी गई है, वहीं बच्चों के लिए स्कूल फिर से खोले जाने को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने हाल ही में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की कम होने या बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाने के बाद भी स्कूल खोले जाने पर विचार किया जाएगा। लखनऊ सुरक्षा के साथ 19 जुलाई से स्कूलों में पढ़ाई की तैयारी शुरू हो गई है। 3 घंटे की कक्षा संचालित करने का प्रस्ताव है। स्कूल संचालकों का कहना है कि संक्रमण का खतरा अब कम हुआ है, ऐसे में स्कूल खोल देने चाहिए। वहीं अभिभावकों का कहना है कि जब सरकार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अलर्ट मोड में है तो ऐसे में स्कूल खोला जाना कहाँ तक वाजिब है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल का तर्क है कि जब सब कुछ सामान्य है तो सिर्फ बच्चों की पढ़ाई से समझौता क्यों। महामारी से पैदा हुए हालात के कारण करीब 1.5 वर्ष से पढ़ाई ऑनलाइन है, मगर अब जब लखनऊ में बीते 1 सप्ताह से संक्रमण के मामले में भी सामने नहीं आए हैं तो स्कूल खोलने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर तीसरी लहर को लेकर कोई संकेत सामने आते हैं तो स्कूल पुनः बंद कर दिए जाएंगे। सरकार अनुमति देती है तो स्कूलों में 6 से 8 तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लगेंगी। कक्षा में सिर्फ 20 बच्चों को ही बैठाया जाएगा। छात्रों की संख्या अधिक रहती है तो ऑनलाइन क्लास संचालित होगी। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की ओर से लिखित अनुमति लेनी जरूरी होगी। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।